हाय एवरीवन, कुकरी किचन में आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है आंवला की सुपर टेस्टी और हेल्दी चटनी, जिसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है। सुपर टेस्टी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, और हेल्दी क्योंकि आंवले में आयरन और विटामिन सी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। मैंने लिया है आधा किलो आंवला, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है और सुखा लिया है। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ग्रेट कर लिए हैं सारे आंवला। एक कढ़ाई लेंगे, इसे थोड़ा गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। इसे हमने हाई फ्लेम पे पकाना है, जब तक सरसों का तेल अच्छे से पक ना जाए। सरसों का तेल अच्छे से पक चुका है, गैस बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। फिर से गैस ऑन करते हैं, लो फ्लेम पे रखेंगे। अब हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हींग, 1.5 चम्मच सौंफ, 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी। कलौंजी हम अचार में भी डालते हैं और चटनी में भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 छोटी चम्मच जीरा। सभी मसालों को अच्छे से पका लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ आंवला। मैंने आंवले को थोड़ा मोटा ग्रेट किया है, आप चाहे तो बारीक भी ग्रेट कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1/2 छोटी चम्मच काला नमक। काला नमक का टेस्ट जो है इस चटनी में बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर लीजिए अच्छे से। सभी मसालों को आंवला में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढक देते हैं और कम से कम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पका लेंगे। चेक करते हैं, देखिए आंवला और मसाले अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। अब हम डालेंगे 1/2 किलो गुड़। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। ये भुना हुआ जीरा पाउडर मैंने लिया है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब गुड़ और आंवले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक देंगे। अब कम से कम 10 मिनट के लिए हमने इस चटनी को लो फ्लेम पे पकाना है, जब तक गुड़ और आंवला अच्छे से पक ना जाए। चेक कर लेते हैं, ये देखिए आंवला और गुड़ अच्छे से पक गए हैं। पानी देखिए बिल्कुल नहीं है इसमें। चटनी हमारी रेडी है। आप इसे किसी कांच के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।